डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों में एक यूनिट रहता है मास्टर सिलेंडर का। जो मास्टर सिलेंडर है कुछ टाइम बाद थोड़ी सी नॉइज़ करने लगता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तब टिक टिक से आ जाती है वो। अभी मैं तो, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम क्यों है मुझे वो तो नहीं मालूम, बट मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले तो इसके से टिक टिक से नॉइज आती है, और वो ब्रेक अप्लाई जब भी करोगे आपको ब्रेक में भी फील होंगी कि टिक टिक से कुछ बज रहा है उसके अंदर, ब्रेक के अंदर। तो ये जो इसका मास्टर सिलेंडर है, ये डस्ट का कवर रहता है। इसके अंदर ये जो WD-40, ये जो छोटा सा पाइप है उसके अंदर आप डालेंगे। स्प्रे करने के बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद ब्रेक अप्लाई कीजिए, और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़े बहुत चलाइए। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी।